दिल्ली के बाटला हाउस क्षेत्र में आज डीडीए का बुलडोजर चला। जी हां, आपको बता दें 8 अगस्त को यहां पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई करी गई। तकरीबन कई सारी झुग्गियों को यहां पर तोड़ा गया और जिस तरीके से लोगों ने बताया कि यहां पर 3 दिन पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहां पर नोटिस चिपकाया, उसके बाद यहां पर देखिए बुलडोजर से कई सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। बड़ी कार्रवाई जो है यहां पर डीडीए के द्वारा करी जा रही है, जबकि आसपास भी कई सारे मकान बने, अब उनमें रहने वाले लोगों को भी खतरा लग रहा है कि क्या उनके मकान को भी कहीं तोड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि डीडीए ने इस जमीन को अपना बताया है, जिस जमीन पर लोग कई सालों से रह रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर मामला कोर्ट में भी है। जी हां, कोर्ट के संज्ञान में मामला होने के बावजूद भी यहां पर अनन फन में अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस को लगाकर डीडीए ने यहां पर मकानों पर किस तरीके से और झुग्गियों पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई करी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने बताया कि वो अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। वहीं इस केस को लड़ रहे पंकज श्रीवास्तव ने भी बताया, जो कि वकील हैं, उन्होंने बताया कि पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो करी जा रही, जो कि किसी को समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि महज 3-4 दिनों के अंदर ही किस तरीके से ऐसी कार्रवाई की, ऐसी क्या नौबत आ गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। वहीं जिस जगह को खाली कराया जा रहा है, इसको बोला जा रहा है कि ये डीडीए की जमीन है, लेकिन डीडीए की जमीन है तो यहाँ पर इतने सालों से लोग कैसे रह रहे थे, ये सवाल जरूर उठता है। अफरा आप देखिए कि यहाँ पर जो है बुलडोजर से इन सभी जगहों को तोड़ा जा रहा है, और बाकायदा आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा रास्ता जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये नोएडा को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे है उसको भी जाके जोड़ेगा, और वहीं किस तरीके से, क्योंकि बाटला हाउस का कुछ एरिया जो है यमुना से पास में पड़ता है, यमुना यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर ये कार्रवाई जो है डीडीए के द्वारा करी जा रही है। आखिरकार क्या वजह है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन लोग क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। मौका दिया, थोड़ा बहुत निकला, थोड़ा बहुत सब सामान रह गया, हमने जरा दिक्कत सब रखा हुआ। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? 10 साल से रह रहे हैं सर हम लोग। अच्छा, 10 साल के बाद हमारे एक बच्चा 3-4 दिन पहले आया, हम के कागज मेरा ठीक कहा, बोला इसको खाली कर दो। हम बोले खाली करने के लिए बात तो सरकार से बोलता है, खाली करेंगे खाली करेंगे, लेकिन खाली करने के लिए नहीं बोला। क्या था, क्या इसमें ऐसे है, प्रॉपर्टी में ना नोटिस इन्होंने 4 तारीख को इन्होंने पेस्ट करा था कि यहाँ भी इन्होंने टाइम भी नहीं दिया भाई, बीच में सैटरडे संडे आ गया था। हमने हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करी थी, प्रॉपर्टी की प्रॉपर रजिस्ट्री थी इनके पास, तो 1989 से प्रॉपर्टी इनके पास थी। और उसके बाद जब डीडीए को हमने कल डीडीए को कॉपी भी सर्विस करवाई थी, कोर्ट हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन फाइल करी हमने, और एक कॉपी हमने SHO को यहाँ पे जामिया नगर के हैं उनको सर्विस कर दी थी, लेकिन इन उसके बाद भी इन्होंने आज आके यहाँ पे सुबह सारी टीम फोर्स लगा के इन्होंने डेमोलिशन कर दी। कितने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब किस तरीके से आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं? इसमें यह है कि अभी एक तो मैटर में ये है कि जो 7 वाली प्रॉपर्टी थी, खसरा नंबर 235 भी था उनका भी, तो उसमें एक पिटीशन तो आज हाई कोर्ट में लगी हुई थी, उसमें स्टे भी मिल गया था। जो इनके ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उनको बताया गया कि इस पर स्टे हो चुका ऑलरेडी, तो आप इस पर डेमोलिशन मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनी नहीं उनकी और उन्होंने डेमोलिशन कर दी। हालाँकि उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें हाई कोर्ट ने जो इनके डिप्टी डायरेक्टर है उनको 2:30 बजे के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए कॉल करा, वहाँ पे बुलाया गया हाई कोर्ट में। अच्छा, कितनी टोटल यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं उन पर ये बुलडोजर जो है डीडीए का चला है? ये काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, पीछे देख ही रहे हैं आप, सारी ये सारी प्रॉपर्टी में भी चल रहा है, कुछ लोग कुछ तो हो ही चुकी हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों का सामान था और काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, नुकसान तो काफ़ी हो चुका है। जो बिल्डिंग है क्या इस पर भी फिर क्या लोगों की दिक्कत होगी? जो है आसपास के लोगों को तो दिक्कत होगी होगी ऑब्वियसली, अब जब इतना डेमोलिशन हुआ है तो उनको भी अब डर सा बैठ गया कि हाँ भैया हमारी प्रॉपर्टी भी नकल हुआ कि ये बुलडोजर चला दें या कुछ हो जाए। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। कितने साल पुरानी बनी हुई झुग्गी? कम से कम इन झुग्गियों को हो गए कम से कम 20 साल। अच्छा, 20 साल से यहाँ पर झुग्गियाँ थी, लोग रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर उनको गरीबों को तोड़ दिया गया, ये अच्छा थोड़ी ना। और क्या किसकी जमीन है ये, क्या उत्तर प्रदेश? ये जमीन किसानों की जमीन थी, किसानों ने से जमीन ली, जब लोगों ने यहाँ पर झुग्गियाँ घर मकान बनाए, घर मकान बना के अपने रह रहे। अब ये कोई कहने लगे कि किसकी जमीन है, किसकी क्या है, ये खिदराबाद जुलेना के किसान हैं, इनसे ज़मीनें ले लेके बनाया गया है ये। आजकल तो कोई अपने घर के आगे गाड़ी भी नहीं खड़ी करने देता है, ऐसे कौन झुग्गी बनाने देगा। तो आज ये जो कार्रवाई हो रही किसके द्वारा कर रहे हैं, कौन तोड़ रहा है इसको? NGT के द्वारा हो रही है। अच्छा,
यहाँ पर पहले आज से 3 दिन पहले नोटिस लगाए गए थे, वो नोटिस के आधार पर आज यह कार्रवाई हो गई। अच्छा, तो 3 दिन पहले ही कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया, इससे पहले कभी कुछ नहीं कहा? नोटिस दे दिए थे यहाँ पे, नोटिस दे के इसकी कार्रवाई हो गई। तो इस समय DDA के द्वारा ये तोड़ा जा रहा है? पहले DDA ने यहाँ पर कोने पे एक DDA के बोर्ड लगाए थे, उसमें एक जावेद नाम का शख्स है जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। उस केस को चलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ थी, उसी आधार में यहाँ पर DDA के बोर्ड लगवाए गए और DDA बोर्ड लगा के गई, मगर उनका वकील बार बार पेपर दिखाता रहा मगर किसी ने सुना नहीं।